स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे LG V40 Think का। दो फ़ोन है, एक फ़ोन का कलर है वो ग्रे है, दूसरे का जो कलर है वो है ब्लू। तो वो देखते हैं कैसा क्या इनका स्पेसिफिकेशन वगैरह, इनकी पूरी डिटेल देखते हैं LG ने क्या कुछ स्पेशल किया है। तो करते हैं इन दोनों फ़ोन की जो सील है वो ब्रेक, और देखते हैं इनमें कैसा मिलता है हमें कलर। सबसे ऊपरी ऊपर का जो सेक्शन है उसमें हमें मिलता है, सबसे ऊपर हमें ये एक कपड़ा जिससे हमें अपने फ़ोन को रखना होगा क्लीन। तो इनको रखते हैं साइड में। उसके बाद में सबसे ऊपर मिलती है हमें हमारे मेन यूनिट, जो कि ये कलर है वो है ग्रे कलर। तो इसको रखते हैं एक बार साइड में, और ये जो कलर है वो है ब्लू। तो ये इस कलर का है ब्लू कलर, तो इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद में हमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये एक कुछ पेपर वर्क है जिसमें हमें मिलने वाले हैं ये एक क्विक सेटअप गाइड, और बाकी कुछ है नहीं। ये हमारे पास एक इसके ईयरफोन है, और ये एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं। और ईयरफोन मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये हैं ऐसे इस टाइप के ईयरफोन्स जो कि लाइट वेट हैं और अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। उसके अलावा हमारे पास ये है एक USB टू USB टाइप सी की केबल, और ये एक लंबा सारा पावर एडेप्टर हमारे पास, जिसकी मैं आपको रेटिंग देख के बताता हूँ। ये है 5 वोल्ट 1.8 एम्पियर और 9 वोल्ट 1.8 एम्पियर। तो ये एक फास्ट चार्जर है, तो ये एक अच्छी बात है। अब करते हैं हम एक बार फ़ोन का ओवरव्यू। तो ओवरव्यू देखते हैं कैसा है फ़ोन का। ये है हमारा फ़ोन, काफ़ी एकदम क्लीन फिनिश है, एकदम शानदार, मतलब फ्लेक्सी फील होता है। तो दोनों फ़ोनों का कलर कंपैरिजन करते हैं हम। सबसे पहले ये है ब्लू कलर, और ये है हमारे पास ग्रे कलर। तो ये दोनों जो कलर हैं, कलर दोनों ही अच्छे हैं। एक बार हम इसको बूट करते हैं, और बूट करने के बाद में आगे का प्रोसेस देखते हैं। आई होप इनमें बैटरी हो, दोनों में बैटरी है, वाइब्रेट हो चुका है। अगर फ़ोन की हम राइट साइड की बात करें तो हमें ऊपरी ऊपर मिलता है यहाँ एक पावर बटन, और नीचे मिलता है सिम ट्रे। और बॉटम साइड की अगर हम बात करें फ़ोन में, तो हमें एक साइड में मिलता है स्पीकर ग्रिल, सेंटर में मिलता है USB टाइप सी पोर्ट, उसके साथ में मिलता है माइक्रोफोन, और उसके लेफ्ट साइड में हमें मिलता है 3.5 mm हेडफोन जैक। फ़ोन की अगर लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, तो हमें मिलता है एक गूगल असिस्टेंट का बटन, और ऊपर की तरफ हमें मिलते हैं वॉल्यूम रोकर बटन्स। पीछे की तरफ बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है LED फ्लैश के साथ, और नीचे की तरफ वो है फिंगरप्रिंट सेंसर, और नीचे नीचे है LG की ब्रांडिंग। तो ये एक अच्छी बात है, फ़ोन हो गया है एकदम जल्दी से स्टार्ट। और नीचे जो बेजल्स हैं वो बेजल्स बिल्कुल नहीं है। सामने की तरफ भी ड्यूअल फ्रंट कैमरा है, और स्पीकर दिया गया है, सेंसर दिए गए हैं। तो ये भी एक, मतलब फ़ोन एकदम फटाफट स्टार्ट हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। आगे हम इसमें देखते हैं हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। हम अब चलो अब एक फ़ोन में सेटअप कर लेते हैं, एक को साइड में रखते हैं, और इसमें हम सेटअप करते हैं। तो इसमें हम पैटर्न लगाते हैं, और पैटर्न हम लगाते हैं ये वाला, और कंफर्म करते हैं इसको। और अब हम हमारी फिंगर है वो इनरोल करते हैं। ये हो चुकी है फिंगर इनरोल। उसके बाद में आगे एक्सेप्ट करते हैं। नोट्स है वो छोटी सी दी गई है, और छोटी सी नोट्स में ही बहुत कुछ दिया गया है। ये हो चुका है फ़ोन पूरी तरह से बूट, और डिस्प्ले है वो काफ़ी शानदार है एकदम, मतलब और एकदम ज़्यादा वेट भी नहीं लग रहा है। और फ़ोन है वो, मतलब मज़े एकदम हाथ में लेने में एकदम गुड फील हो रहा है। और सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं, और अबाउट फ़ोन चेक करते हैं कि हमारे अबाउट फ़ोन में क्या मिलता है। अबाउट फ़ोन का जो नेम है वो दिखाई दे रहा है LG V40 Think, और उसके बाद में हमारे पास कोई ज़्यादा इसमें खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सॉफ्टवेयर वर्जन देखें, एंड्रॉयड 8.1 है, और बस यही है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 845 फ्लेक्सी प्रोसेसर लगा हुआ है। तो यही
इसका कुछ था। मेन जो इसमें है वो है, इसकी हाईलाइट है वो है कैमरा। तो सबसे पहले तो हम एक बार इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, देखते हैं ये कितना फास्ट है। ओके, ये लगाया मैंने, खुल रहा है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है लेकिन ठीक है। अब हम एक बार इसका सेल्फ़ी टेस्ट कर लेते हैं और कैमरे का रियर कैमरा सेटअप है वो इसका चेक कर लेते हैं। अब अगर हम एक फ़ोटो लेते हैं, रेंडम सी क्लिक करते हैं एक फ़ोटो, जैसे हम इसी की एक फ़ोटो लेना चाह रहे हैं, फ़ोटो हमने ले ली है और डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे। वाव, बहुत ही शानदार डिटेल्स आ रही हैं, कैमरा वास्तव में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कैमरा दिया गया है इसके अंदर। अब हम एक बार इसका सेल्फ़ी टेस्ट और करना चाहेंगे, सेल्फ़ी भी ड्यूल कैमरा है, डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही हैं, तो सेल्फ़ी कैमरा भी इसका अच्छा है। तो ये था LG का V40 थिंक। तो बताना आप वीडियो में कि आपको ये मोबाइल है वो कैसा लगा। काफ़ी फ्लेक्सिबल मोबाइल है, प्राइस की अगर हम इसकी बात करें तो ये है 49,999 रुपये का, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। ये फ़ोन 40,000 के आसपास होता तो अच्छा होता, लेकिन कुल मिला के ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।